औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमारे 8 एमसीक्यूज हो चुके थे। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद ट्राई करना था। आज हम करते हैं 9th वाला एमसीक्यूज जो कि हमारे पास है। एलसीएम हमने इसका फाइंड करना है। वैल्यूज हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू गिवन है हमारे पास ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4। ये तो जो एक्सप्रेशन है मुझे सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहां पे ए की वैल्यू ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू बी स्क्वायर है। तो फार्मूला कौन सा बन रहा है हमारे पास यहां पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको ओपन करें तो हमारे पास आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्म तो दोबारा हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं होगी, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने फाइंड क्या करना था इसका एलसीएम। एलसीएम होता क्या है, कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट। हमारे पास कॉमन है यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया हमारे पास कॉमन। नॉन कॉमन क्या है हमारे पास, ये दोनों टर्म्स हमारे पास नॉन कॉमन है। अगर हम इन टू टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोबारा यही फॉर्म है, इसको दोबारा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4। तो हमारा आंसर यहां पे सी वाला बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द डैश ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी हमारे पास अगर प्रोडक्ट है टू पॉलीनोमियल्स का, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल एलसीएम एचसीएफ। तो ये जो यहां पे रिलेशन होता है ये पूछा हुआ है, तो ये आपको पता है यहां पे भी प्रोडक्ट का रिलेशन आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 11 एमसीक्यूज, ए ओवर 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 ए माइनस बी। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ए ओवर इसको लिख सकते हैं 3 ए होल स्क्वायर, और इसको यहां पे बी होल स्क्वायर। 3 ए माइनस बी, इस फार्मूले को ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ए प्लस बी इंटू 3 ए माइनस बी। यहां पे हमारे पास 1 ओवर 3 ए माइनस बी। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3 ए प्लस बी इंटू 3 ए माइनस बी। यहां पे हमारे पास ए आ जाएगा और यहां पे हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 ए प्लस बी। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 ए प्लस बी। तो ये डिनोमिनेटर में दोबारा इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3 ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 ए स्क्वायर, और यहां पे माइनस और b का स्क्वायर हमारे पास बी स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो यहां पे ये आंसर हमारे पास बन रहा है 4 ए प्लस बी 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी वाला। नेक्स्ट है हमारे पास 12th वाला एमसीक्यूज, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर प्लस 5 ए माइनस 14 ओवर ए स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 3 ओवर ए माइनस 2। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 2 ए माइनस 14। न्यूमिनेटर की फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आएगी, डिनोमिनेटर की भी इसी तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 3 ए
माइनस 18। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पहले लेक्चर्स जो मैंने दिए थे उनमें सीखी हुई है, a प्लस 3 ओवर a माइनस 3। तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म से हमारे पास कॉमन a आएगा, रिमेनिंग यहाँ पे a प्लस 7। इसी तरह हमारे पास यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 2, रिमेनिंग a प्लस 7। यहाँ से हमारे पास कॉमन a, रिमेनिंग a माइनस 6। यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन 3, रिमेनिंग a माइनस 6। और इधर हमारे पास a प्लस 3 ओवर, सॉरी यहाँ पे 2 है, a माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया a प्लस 7, a माइनस 2। यहाँ पे कॉमन हमारे पास a माइनस 6, रिमेनिंग हमारे पास a प्लस 3। a प्लस 3 ओवर a माइनस 2, तो ये a प्लस 3 से कैंसिल, a माइनस 2 से कैंसिल। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 7 ओवर a माइनस 6। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन a बन रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13। तो यहां पे भी आप लोगों ने सिंपलीफाई करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ओवर a रेस्ट पावर 4 माइनस b रेस्ट पावर 4। डिवीजन का साइन है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन देख के परेशान नहीं होना, सिंपल से हैं, वही फार्मूले और वही फैक्टराइजेशन बार बार यूज हो रही है। तो यहां पे ये फार्मूला ओपन करें, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। डिनोमिनेटर में ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसको ओपन करेंगे हम, ए स्केयर होल स्केयर माइनस बी स्केयर होल स्केयर। ये डिवीजन का साइन हम मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज करेंगे और जो आगे वैल्यूज हैं इनको हम उल्टा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, यानी जो नीचे वैल्यू थी वो ऊपर चलेगी और जो ऊपर वैल्यू थी वो नीचे, जब हम ये साइन डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज करते हैं। तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहां पे देखिए ये वैल्यूज और ये वैल्यू सेम है, इसको कैंसिल कर दें, यहां पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। डिनोमिनेटर में ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला ओपन करें तो a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर से। तो ये वैल्यू सेम है, कैंसिल कर दें, रिमेनिंग आप लोगों के पास क्या आ गया, a माइनस बी। डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो डिनोमिनेटर में दोबारा फार्मूला है जिसको ओपन करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a माइनस बी से कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास 1 ओवर a प्लस बी। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन a है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 14 वाला एमसीक्यूज है। इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है, 2x प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1। डिवीजन का साइन है, नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। तो यहां पे सबसे पहले आप लोग एलसीएम करें, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, ये वैल्यू एज इट आएगी 2x प्लस वाई माइनस, यहां माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई, जो एलसीएम आया था हमारे पास। ये डिवीजन का साइन एज इट, एलसीएम यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई माइनस ये वाला x एज इट आ जाएगा। यहां पे 2x प्लस वाई ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खत्म करेंगे, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे प्लस x माइनस x, तो ये क्या आ गया हमारे पास, y ओवर x प्लस वाई। तो यहां पे देखिए 2x है और यहां पे माइनस x, तो यहां पे हमारे पास आ गया x और ये प्लस y माइनस y कैंसिल, डिनोमिनेटर में x प्लस y। डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन साइन में चेंज, और जब ये साइन चेंज करते हैं तो आगे जो वैल्यूज होती हैं उनको हम उल्टा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस y ओवर y। तो ये x प्लस वाई से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x ओवर y। तो 14 वाला जो एमसीक्यूज है इसकी ऑप्शन हमारे पास है डी वाली। नेक्स्ट हमारे पास
15 वाला एमसीक्यूज, इसमें हमें वैल्यूज दी हुई हैं ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट्स, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां पे इसका स्क्वायर रूट पूछा हुआ है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे a माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल a माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो साथ में प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस a माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस a माइनस 1। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास बी वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास 16 वाला एमसीक्यूज, व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ, यानी ये वैल्यू हमें गिवन है, वो कहते हैं इस वैल्यू में हम क्या चीज ऐड करेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पे देखें इसको हम इस तरह होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस टू ए बी, ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी क्या है हमारे पास 8। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये यहां पे मिसिंग है, तो यहां पे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 16x स्क्वायर। तो अगर हम इसमें 16x स्क्वायर ऐड कर दें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास बन रहा है सी वाली ऑप्शन। लास्ट वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है अगर हम इसको एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, यहां पे भी 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और यहां पे 2 एक्स स्क्वायर और यहां पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपके पास 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ये कौन सा फार्मूला है आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पे आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास इसकी ऑप्शन बनती है बी वाली। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सारे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिए हैं, सिर्फ एक एमसीक्यूज आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया था, वो आप लोगों ने ट्राई करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।